नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। क्या आपको बचा दूध फेंकने की आदत है? क्या आपको खाना छोड़ने की आदत है? क्या अक्सर नल से पानी टपकता रहता है? चीजों की बर्बादी करते हैं तो सावधान, 5 चीजों की बर्बादी पड़ेगी महंगी। देखिए कालचक्र। जी हाँ, अक्सर आप और हम जाने अनजाने में घर या बाहर बहुत सी चीजों की बर्बादी कर देते हैं, लेकिन सही मायने में कुछ चीजें हैं जिनकी बर्बादी करने से ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे पूरे परिवार को इसके बुरे परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। तो कौन सी है वो 5 चीजें जिनके इस्तेमाल में हमें खास ध्यान रखने की जरूरत है? यही है आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे उन 5 चीजों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें फोन करें। हमारा नंबर नोट कीजिए, 0120-665-2411। तो आज पंडित जी हमें बताएंगे वो 5 चीजें जिनकी बर्बादी हमें कभी नहीं करनी चाहिए, इनके इस्तेमाल में हमें खास ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, 5 चीजों में सबसे पहली चीज कौन सी है जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, वो 5 चीजें सब जानना चाहते हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनमें सबसे पहली चीज हमें कौन सी बर्बाद नहीं करनी चाहिए? देखिए, वैसे तो जो भी मानव के उपयोग में आने वाली वस्तु है उन सबका मतलब कि कभी भी बर्बादी करनी ही नहीं चाहिए जी। और ख़ास करके अन्न, जल, दूध, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन के लिए प्राणवायु की तरह आवश्यक हैं। हमारे सनातन धर्म में इन चीज़ों की बर्बादी को बहुत अशुभ सूचक माना गया है। हम लोग आए दिन घर में या बाहर कोई न कोई चीज़ बर्बाद जरूर करते हैं, जैसे थाली में बचा हुआ खाना, गिलास में बचा हुआ दूध, पानी। लेकिन आए दिन ये जो छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं वो क्या ठीक होती हैं? क्या इनसे हमें कोई भी नुकसान नहीं होता? आज मैं आपको कालचक्र में ये बताऊंगा कि आए दिन हम चीज़ों की जो बर्बादी करते हैं उसका हम पर और हमारे परिवार पर क्या असर पड़ेगा। तो आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले बात करता हूँ दूध की। एक कहावत है हमारे धर्म में, दूध और पूत बड़े भाग्य से मिलते हैं। सोच लीजिए, दूध किसके साथ जोड़ा गया है? पूत के साथ जोड़ा गया है, पुत्र के साथ जोड़ा गया है। कहते हैं दूध और पूत बड़े भाग्य से मिलते हैं, जिसकी बड़ी भाग्य होती है उसे दूध और पूत मिलते हैं। जो लोग दूध की बर्बादी करते हैं उनके घर में कभी समृद्धि नहीं रहती है, उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा अस्थिर बनी रहती है। दूध की बर्बादी करने वाला पैसा तो कमाएगा लेकिन अपने लिए उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। गिलास में बचा हुआ दूध फेंकना दूध की बर्बादी ही होती है। ऐसे लोगों की किस्मत उनका साथ कम देती है। जिन लोगों के घर में अक्सर दूध चूल्हे पर उबल कर गिर जाता है, जिन लोगों के हाथ से दूध अक्सर गिरता रहता है, जो लोग दूध से बनी हुई चीज़ें फ्रिज में रख कर के भूल जाते हैं और फिर वो ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, उन्हें फेंकना पड़ता है, ऐसे लोगों को पैसा, कारोबार, सेहत, नौकरी और हर लिहाज से परेशान होना पड़ता है। जिस घर में दूध की बर्बादी होती है वहाँ रहने वाले लोगों के रिश्ते आपस में अच्छे नहीं होंगे। अगर आपके घर में दूध की बर्बादी हो रही है और इस बर्बादी को आप रोकना चाहते हैं लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी रोक नहीं पा रहे हैं, तो रविवार को 5 बादाम नदी में प्रवाहित करिए, 5 सोमवार गरीबों को दूध का दान करिए, रात में खाना बनाने के बाद तवे पर दूध के कुछ छींटे जरूर मारें और 1-2 मुखी रुद्राक्ष
लाल धागे में सोमवार को गले में भी धारण करें। महिला पुरुष दोनों धारण कर सकते हैं और इसका लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं उन पांच चीजों की जिसकी बर्बादी करने का सीधा सीधा असर हमारी किस्मत पर, हमारे परिवार की किस्मत पर पड़ता है। तो दूध की बात सबसे पहले पंडित जी ने कही, तो दूध की बर्बादी करने से फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, रिश्तों में दरार आ सकती है, लेकिन पांच चीजों में से वो दूसरी चीज अब कौन सी है जिसकी बर्बादी घर में नेगेटिविटी बढ़ा सकती है, चलिए भी पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, नकारात्मकता, सभी से बचना चाहते हैं लेकिन हमारी कोई ना कोई गलती उसे बढ़ावा दे देती है, तो ऐसी कौन सी वो दूसरी चीज है? देखिए, बताना चाहूँगा कि अब बात करना चाहता हूँ नमक की। नमक का सनातन धर्म में बहुत बड़ा रोल है। नमक का इतना बड़ा रोल है, अब तो पता नहीं लोग क्या सोचते हैं, लेकिन पहले लोग कहते थे कि नमक हरामी नहीं करना चाहिए, जिसका नमक खाएं उसका अदा करें। मतलब एक बार आदमी अगर किसी के घर भोजन कर लेता था, नमक खा लेता था, तो उसके प्रति आजीवन वफादार बना रहता था और उसके साथ कभी विश्वासघात नहीं करता था, उसके साथ उसका कभी साथ नहीं छोड़ता था। नमक का ये इमेज सनातन धर्म में है। कहते हैं कि जो आदमी एहसान भूल जाता है, किए हुए परोपकार को भूल जाता है, उसको लोग कहते हैं नमक हराम। जो लोग नमक फेंक देते हैं या जिन लोगों से अक्सर नमक गिरता है या जो लोग जरूरत से ज़्यादा नमक खाते हैं, उनके जीवन में और शरीर में बहुत निगेटिव एनर्जी रहती है। ऐसे लोगों को समाज में कभी ना कभी अपमान सहना पड़ता है। नमक की बर्बादी करने वालों को या ज़्यादा नमक खाने वालों को अक्सर घर की या बाहर की किसी महिला से बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। एसिडिटी, वायु विकार से भी ऐसे लोग बहुत परेशान रहते हैं। ऐसे में आपको हर रविवार को 5 बादाम दान करने चाहिए और रविवार को प्रातः काल स्नान करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए और ओम घृणि सूर्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 24 मिनट जप करना चाहिए। ये सब करने के बाद निश्चित रूप से समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और नमक का दुरुपयोग करने से आप बच पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, नेहा है लखनऊ से। नेहा, सवाल पूछिए। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, एक सवाल करना था कि एक लड़के का नाम है सत्यमणि, मतलब उसे आंशिक मांगलिक बताया कि ये मांगलिक है, जिसे उसकी डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 1992 और समय दिन के 1:45 दिन का समय है। जरा एक बार फिर से बताना बेटा। नाम सत्यमणि है और 4 अगस्त 1992 और टाइम है 1:45 दिन का PM। मांगलिक है या नहीं है? कहाँ पैदा हुआ था? फैजाबाद। हाँ बेटा, ये मांगलिक तो जरूर है लेकिन बृहस्पति के साथ मंगल है, इसलिए मांगलिक दोष का परिहार हो रहा है, मंगल दोष माना नहीं जाएगा। बिना मांगलिक से भी इसका विवाह हो सकता है क्योंकि मंगल और बृहस्पति दोनों 12वें भाव में हैं। कहने के लिए तो मांगलिक है लेकिन बृहस्पति के साथ अगर मंगल होता है तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है, इसलिए बिना मांगलिक से भी इनका विवाह किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ हैं, किरण मुरादाबाद से। किरण जी, सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए किरण जी।
पंडित जी, मेरे पति का नाम प्रवीण ओझा है जी। हम प्रॉपर बिहार के रहने वाले हैं जी। गुरु जी, वो जिंदगी हमेशा मतलब शुरू से परेशान ही रहे और आज भी एक छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, लेकिन काफी कर्ज में डूबे हुए हैं और परेशानी हमारी दूर नहीं होती है। मेरे बेटा, छोटा बेटा है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 25/12/2003, 3:45 दिन गुरुवार। वो UPS की तैयारी करना चाहता है, उसके भाग्य में क्या है, वो क्लियर कर पाएगा या नहीं, कुछ बताइए। देखो किरण, ऐसा है, तुम्हारे पति भाव का स्वामी जो है वो है बृहस्पति और उससे धन भाव का स्वामी है शनि। प्रश्नकाल में दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। आपके पति का रोजगार ऐसा नहीं है जिसमें बहुत धन का आगमन हो और जिससे सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे ढंग से पूरी हों। इसके लिए मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि आप अपने घर में एक स्फटिक का श्रीयंत्र, दक्षिणावर्ती शंख किसी शुभ मुहूर्त में स्थापित करके और स्फटिक के श्रीयंत्र का विधिवत पूजन करना शुरू करिए सुबह शाम। पहले जल से, फिर दूध से, फिर गन्ने के रस से, दही से, शहद से, घी से अभिषेक करके कलावा, हल्दी, रोली, अक्षत, सिंदूर सब श्रीयंत्र पर चढ़ा करके, लाल फूल चढ़ा करके, धूप दीप जला करके, एक पीतल की प्लेट में काजू किशमिश मिश्री का भोग लगा करके, 5 आचमनी जल गिरा करके, उसके बाद में एक पान का पत्ता चढ़ा करके कपूर से आरती करिए और श्री सूक्तम व कलंकधारा स्त्रोत का दोनों का पाठ करिए। ये उपाय अगर आपने लगातार करना शुरू कर दिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 6 महीने के बाद आपकी घर की परिस्थिति बदलेगी और 3 साल के बाद आप राज रानी बन जाएंगी। आपके घर में किसी दुनिया के किसी सुख सुविधा की कमी नहीं रहेगी। जहाँ तक किरण आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है तो बताना चाहूँगा कि इसके आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र है, उससे पंचम भाव का स्वामी शनि। शुक्र शनि चतुर्थ दशम की स्थिति में है। पढ़ाई तो ये कर रहा है लेकिन जितनी अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए उतनी अच्छी पढ़ाई इसकी हो नहीं पा रही है। इसकी अच्छी पढ़ाई हो, 19 साल का हो गया है, इसलिए इसकी अच्छी पढ़ाई हो, इसे कहो कि दुर्गा चालीसा और गणेश चालीसा का रोज सुबह पाठ किया करे और पढ़ाई में मन लगाए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इस बीच एक और कॉलर जुड़ गए हैं, नासिक से दिनेश हैं फोन लाइन पर। दिनेश जी, सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी, नमस्कार। हाँ नमस्ते दिनेश जी। गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना था जी। आप अपनी उम्र बताइए। मेरी उम्र अभी 21 है। कितना है? 21। 21 साल जी। तो क्या जानना चाहते हैं दिनेश जी? गवर्नमेंट जॉब लग नहीं रही है। आपके प्रश्न लग्न का स्वामी बृहस्पति है, दशम भाव का स्वामी बृहस्पति है, सरकारी नौकरी का योग तो नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो पुलिस और सेना की तरफ अपना रुख करिए। पुलिस, सेना या सुरक्षा विभाग से जुड़े किसी कार्यक्रम की तरफ आप अपना रुख करिए, वहाँ आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। सिर्फ दूसरी सरकारी नौकरी का योग नहीं है। कालचक्र दर्शक भरत हैं औरंगाबाद से, चलिए उनसे भी पूछ लेते हैं क्या जानना चाहते हैं। पूछिए, क्या आपका सवाल है भरत? प्रणाम पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए भरत भैया। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। वो 27 जुलाई 2006 का जन्म है, सुबह 7:20 औरंगाबाद बिहार में जी। उसका करियर कैसा रहेगा और भाग्य कैसा? अब मंगल और शनि पंचम नवम है, करियर तो बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं लगती है। उसको अगर आप मेडिकल से जुड़ा पढ़ाई करवाएं और मेडिकल से जुड़ी कोई शिक्षा देने का प्रयास करें, उसमें सफलता मिलेगी। और या आगे चलकर के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उसे तैयार करें, उसमें भी वो सफल होगी, क्योंकि दिमाग तो अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में उसका भविष्य भी ठीक है। एक बात इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि थोड़ा सा उसके स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, उसको कोल्ड एलर्जी की संभावना है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी डस्ट और कोल्ड से एलर्जी होती है, जिसका उसको उपचार करना चाहिए।
जैसे तुलसी के पत्तों का सेवन करना चाहिए, अदरक का सेवन करना चाहिए, इन सब चीज़ों से उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं उन पांच चीजों के बारे में जिनकी बर्बादी करने से हमें जीवन के हर क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब तक हमने दूध और नमक की बर्बादी करने से क्या होता है ये तो जान लिया, अब वो तीसरी चीज कौन सी है जिसकी बर्बादी करने से परिवार के लोगों का बिहेवियर बदलने लगता है, सुख शांति खत्म हो जाती है। चले पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, वो तीसरी चीज जो छीन रही है हमारे परिवार का सुख चैन। देखिए ऐसा है, वैसे तो एक तिनका भी इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अपना महत्व रखता है। जो लोग गेहूं की बर्बादी करते हैं, जो लोग अपने घर में गेहूं ठीक से नहीं रखते हैं, गेहूं में कीड़े पड़ जाते हैं, जो लोग अपने घर में हमेशा ज़्यादा खाना बनाते हैं और बाद में उसे फेंकते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। जो लोग अपनी थाली में खाना छोड़ देते हैं, उनके अंदर अहंकार की भावना घर कर जाती है, जिसके कारण उनको जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। खाना बर्बाद करने वालों के लीवर में और सिर में हमेशा तकलीफ रहती है। जो लोग फ्रिज में खाना 3-4 दिन तक रखते हैं और फिर खराब हो जाने पर उसे फेंक देते हैं, ऐसे लोगों पर सूर्य और गुरु ग्रह हमेशा बुरा प्रभाव डालते हैं। जिस घर में भोजन बर्बाद होता है वहाँ रहने वाले लोग सभ्य नहीं होते हैं। ऐसे घर की महिलाओं की सेहत अक्सर खराब रहती है। और जिस घर में गेहूं का आटा गूंथ कर फ्रिज में रख दिया जाता है गोलाकार बना करके किसी कटोरी में, तो वो पिंड बन जाता है और आपके पितर उसी पिंड पर मंडराते हैं, और जब फिर आप उसकी रोटी बना करके खाते हैं पितरों के भोगे हुए अन्न पर, तो आपके घर में बीमारियां बढ़ जाती हैं। आपके घर में दवाई के इतने खर्चे शुरू हो जाएंगे कि आपका बजट असंतुलित हो जाएगा। आटा उतना ही आप गूंथिए जितने की रोटी बनाने की ज़रूरत है। अगर फिर बनाने की ज़रूरत होगी फिर से आटा गूंथ लीजिएगा, लेकिन आटा गूंथ कर उसको गोला पिंड बनाकर कभी कटोरी में करके और फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 24 मिनट के बाद उस पर जो पितर असंतुष्ट हैं वो भ्रमण करने लगते हैं और वो पिंड बन जाता है, और फिर आप उसका उपयोग करते हैं तो पिंड का उपयोग करते हैं, ऐसे लोगों के घरों में रोग और शोक बढ़ता है। ऐसे घर की महिलाएं घर के किसी बड़े फैसले में शामिल नहीं हो पाती हैं। भोजन की बर्बादी करने वालों में गुस्सा और अहंकार बहुत ज़्यादा होता है। जिस घर में अन्न की बर्बादी होती है वहाँ धन की हमेशा कमी रहती है। अन्न पूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य में देह भिक्षाम देह च पार्वती। अन्न जो है माता अन्नपूर्णा का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए अन्न का सम्मान करना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। मान सम्मान की जो लोग अन्न की बर्बादी करते हैं उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, परिवार के सदस्यों में ज्ञान और बुद्धि का अभाव हो जाता है। जो लोग अपने पिछले जन्म में खाना फेंकते रहे हैं उनको इस जन्म में पेट से जुड़ी परेशानियां रहती हैं। ऐसे लोगों को इस जन्म में कोई अच्छा गुरु नहीं मिलता। खाने की बर्बादी करने वालों को अपने करियर नौकरी कारोबार में हमेशा ही परेशानी होती है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
दूध, नमक और अन्न की बर्बादी करने से क्या होता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन अब पांच चीजों में से वो चौथी चीज कौन सी है जिसकी बर्बादी करने से पैसों की भी बर्बादी होती है, तनाव बढ़ता है, सुख चैन छीन जाता है। चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अब वो चौथी चीज वो कौन सी है? देखो, अब बात करता हूं उन लोगों की जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं। पानी जो है ये वरुण देव का प्रतीक है। रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसका अर्थ ये है कि लोग कहते हैं कि अमुक आदमी पानीदार है, अरे छोड़ो उसके अंदर कोई पानी नहीं है। ये मुहावरा है। पानी का मतलब आत्मसम्मान, पानी का मतलब खुददारी, पानी का मतलब आत्मसम्मान। पानी गए न उबरे, अगर कोई आदमी अपकीर्ति का शिकार हो गया और अपकीर्ति के लायक कार्य कर दिया तो कभी जीवन में उबर नहीं सकता। मोती में अगर स्वाति नक्षत्र का बूंद न जाए तो सीप खाली पड़ी रह जाएगी, मोती नहीं बनेगा। चूना, चूना अगर बना हुआ है और उसका पानी एक बार सूख जाए तो उसमें उसके बाद चाहे पूरे कुएं का पानी डाल दीजिए, वो चूना काम का नहीं रहेगा। इसीलिए कहते हैं पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी की बर्बादी जो भी व्यक्ति करता है या जिस घर में भी ये होता है वहां मानसिक परेशानियां आती हैं और ऐसे लोगों का किस्मत कभी साथ नहीं देता है। पानी चंद्रमा से रिलेटेड है, चंद्रमा मन से रिलेटेड है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोता द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर अजायत। कुछ लोगों को एक मानसिक बीमारी होती है बार बार हाथ धोने की। अगर कोई घर में आ गया और निकल के गया, तुरंत घर में पोंछा लगाने की, किसी ने कोई चीज छू लिया तो उसको धोने की, बार बार हाथ धोने की, बार बार पोछा लगाने की। अगर किसी ने आपके गेट का हैंडल छू लिया तो हैंडल पोछने की। ये एक प्रकार का मानसिक रोग है जो चंद्रमा और शनि के साथ रहने पर होता है, चंद्रमा केतु की युति पर होता है, चंद्रमा केतु शनि के बीच में रहने पर होता है। ये एक रोग है भैया, रोग। ये सफाई नहीं है, ये एक रोग है। एक महिला हमारे पास आई थी तो उसने बताया, पंडित जी मुझे मानसिक रोग है और मुझे छुआछूत की बहुत रोग है। एक बार मैं अपने बाथरूम में रजस्वला हो गई, मुझे लगा कि बाथरूम मेरा अशुद्ध हो गया और मैंने अपने बाथरूम में जाना ही बंद कर दिया। तो उसके नीचे एक किराएदार रहता था जो ड्यूटी पर चला जाता था 8 बजे और शाम को 5 बजे आता था, अकेला लड़का था। तो उसके घर की चाबी बनवा करके नकली और ये खोल करके वहाँ जाती थी, बाथरूम का यूज़ करती थी, नहाती थी, निकलती थी। इसी तरह से 4-6 महीने इनके चले। एक दिन ऐसा हुआ को ड्यूटी पर गया लेकिन 1 घंटे बाद वापस आ गया और ये घर में ही मिल गई। तो इन्होंने हाथ जोड़कर सब अपनी आप बीती बताई और उसको कहा कि आपके किसी सामान का मैंने नुकसान नहीं किया है। सभ्य लड़का था, कुछ नहीं बोला। लेकिन ये है बहुत बड़ा रोग और इस रोग का अगर आप इलाज करना चाहें तो आपको किसी शिवालय में बैठकर कम से कम 1 घंटे ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए या किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ चिकित्सक से मिल करके आपको इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि ये इतना हल्का नहीं है और इसके कारण पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। अगर कोई महिला घर की इस रोग से पीड़ित है, कोई पुरुष इस रोग से पीड़ित है, तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तो
तो भाई पानी की बर्बादी कम करिए, जितने पानी से नहा सकते हैं उतना पानी ही इस्तेमाल करिए, जितने पानी से हाथ मुंह धो सकते हैं उतना ही इस्तेमाल करिए। हर समय नल चालू करके मत रखिए, जब पानी की ज़रूरत है तब नल चालू करिए। पानी की बर्बादी से कारोबार में घाटा होता है, सेहत पर बुरा असर पड़ता है। जिस घर में पानी बर्बाद होता है, नल टपकता है, वहाँ इंसानों के साथ जानवरों पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसे घरों में रहने वाले लोगों के अपने बच्चों से रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। पानी की बर्बादी के कारण दाम्पत्य जीवन में खटास आ जाती है, इसलिए नदियों में पूजा का सामान नहीं डालना चाहिए। अगर आपको अपना माला फूल डालना ही है तो गंगा नदी के किनारे जाइए, बहुत बालू है, बालू थोड़ी सी हटा करके उसके नीचे आप अपना माला फूल डाल करके बालू से ढक दीजिए। अगर आप गंगा जी में ही ले जा करके अपना बालू सड़ा हुआ माला फूल डालेंगे, प्रदूषण फैलाएंगे, तभी आप धार्मिक नहीं होंगे। अपने कपड़े नदियों में नहीं धोना चाहिए, नदियों में कभी साबुन लगाकर स्नान नहीं करना चाहिए, कपड़े धोने में ज़्यादा पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इससे वाणी दोष भी उत्पन्न होता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, जीवन अव्यवस्थित हो जाता है, क्योंकि ये सारा चंद्रमा के कुप्रभाव का फल है। चंद्रमा खराब होगा तो मन खराब होगा, मन खराब होगा तो आपका आचरण खराब होगा। जो लोग भी पानी की बर्बादी करते हैं, जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं उनको अपनी माँ का या तो साथ नहीं मिलता है या तो माँ का प्यार नहीं मिलता है। तो एक तो आपको शिव मंदिर में जा करके शिव जी की पूजा करके 1 घंटे ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, और दूसरा काम करना चाहिए कि घर में जितने भी नल हैं कोई नल टपकता न हो बंद करने के बाद, इस बात का ध्यान रखिएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पानी, दूध, नमक और अन्न की बर्बादी करने से क्या होता है ये तो हमने जान लिया, अब बात कर लेते हैं उस पांचवी चीज की जिसकी बर्बादी करने से भाग्य कमजोर होता है, घर के बच्चे कभी भी सेहतमंद नहीं रह पाते हैं। तो पंडित जी वो पांचवी चीज बताइए। देखिए, जो चीजें मैंने आपको बताया है वो हमारे जीवन से, हमारे मतलब कि प्राण से एकदम जुड़ी हुई चीज है, और अब जो बताने जा रहा हूं ये तो जीवन ही है। जीवन क्या है भैया? पेड़ पौधे। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन देते हैं और उसी ऑक्सीजन पर हम जिंदा रहते हैं। जिन घरों में पेड़ पौधों पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिस घर में पेड़ पौधों की दशा खराब है, उस घर में रहने वालों को हमेशा नुकसान सहना पड़ता है। जिन घरों के पौधों में अक्सर कीड़े लग जाते हैं, मेरी गारंटी है कि वहाँ रहने वाले चाहे जितने तेजस्वी हों उनका भाग्य कमजोर हो जाएगा। घर में लगे पौधे अगर खराब हो रहे हैं तो परिवार के लोगों की सेहत खराब होने वाली है, ये एक प्रकार का संकेत है, आप समझ जाइए। घर की किसी चैतन्य महिला को चाहिए, चैतन्य पुरुष को चाहिए कि वो अपने घर के पौधों की रोज नियमित सुबह शाम देखभाल करे। कारोबार ठीक से नहीं चलेगा, धन की कमी हर समय रहेगी अगर पौधे सूखेंगे। रिश्तेदारों के कारण हमेशा परेशानी होगी, दूसरे लोग आपके घर में इंटरफियर करेंगे। घर के बच्चे हमेशा बीमार रहेंगे। अगर आपकी लापरवाही के कारण पौधे खराब हो रहे हैं तो घर पर पितृदोष का बुरा प्रभाव होगा। बुरे प्रभावों से बचने के लिए पेड़ पौधों को समय समय पर पानी देना चाहिए, उनकी खुदाई करते रहना चाहिए। जब आप लंबे समय के लिए कहीं बाहर जाएं, पौधों की देखभाल के लिए किसी को कह दें, और ख़ास करके तुलसी की रक्षा करना प्राण से भी ज़्यादा आवश्यक है। जिन घरों में तुलसी का पौधा प्रफुल्लित रहता है उन घरों में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। जय माँ विंध्यवासिनी। चले पंडित जी, अब बारी है आज के ईमेल कुंडली विजेता के
बारे में जानने की। और आज के हमारी ईमेल कुंडली विजेता है हरियाणा की रहने वाली मोनिका रानी, जिन्होंने हमें ईमेल करके अपने करियर और सेहत के बारे में जानना चाहा है। इनकी डिटेल्स मैं आपको बता दूं पंडित जी, नाम इनका मोनिका रानी है और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी 1989 और इनका जन्म समय है शाम के 5:14 और जन्म स्थान है दिल्ली। पहला सवाल है इनका पंडित जी कि करियर में अच्छी ग्रोथ इन्हें कब मिलेगी और अपना ये खुद का घर कब खरीद पाएंगे, और दूसरा सवाल है इनका कि आने वाले समय में इनकी सेहत कैसी रहेगी। देखो ऐसा है, मोनिका का जो आपने बर्थ डेट बताया है मुझे, वो 12 जनवरी 1989 बताया है, शाम को 5:14 दिल्ली का जन्म बताया है। मिथुन लग्न में ये पैदा हुई है, मीन इसकी राशि है, बुध की इस समय महादशा चल रही है, बुध इसके दो केंद्रों का स्वामी है जो शुभ फल देने में उदासीन बना हुआ है। अभी प्रमोशन होने में समय लगेगा, अभी प्रमोशन होने में जहाँ तक मैं समझता हूँ कम से कम दिसंबर 2023 के बाद ही प्रमोशन की संभावना बनेगी, उसके पहले प्रमोशन की कोई संभावना नहीं है। जहाँ तक सेहत की बात है तो बुध अष्टम भाव में है और रोग भाव का स्वामी अपने भाव से छठे भाव में है। आपको सरदर्द और माइग्रेन से बचने की सलाह दी जाती है और आपको चाहिए कि आप रोज़ कम से कम कपालभाति प्राणायाम 25-50 बार जरूर किया करें, क्योंकि आपको सरदर्द की समस्या हो सकती है और आपको भ्रामरी प्राणायाम भी करना चाहिए। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, कोई बहुत बीमारी की समस्या नहीं है, लेकिन सरदर्द से जुड़ी समस्या और रक्त से जुड़ी समस्या आपको प्रभावित कर सकती है। सूर्य शनि और शुक्र, शनि और सूर्य आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, जो इस बात का संकेत करते हैं कि बार बार आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लिए भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए और चिकित्सा का सहयोग लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए बात कर लेते हैं हल्दी की माला की। पंडित जी, हल्दी की माला के कौन से उपायों के बारे में आज हमें बताने वाले हैं, चलिए जानते हैं। तो पंडित जी, हल्दी की माला जरा समझाइए और क्या उपाय इसके जरिए। देखिए, कुछ लोग जो हल्दी की माला नहीं देखे होंगे वो सोचते होंगे कि हल्दी की माला कैसे बनती है, हल्दी की गांठ से माला कैसे बनाई जाएगी। तो बहुत सी बातें हैं। हल्दी की गांठ से बनाई गई माला को हरिद्रा माला कहते हैं, हल्दी को हरिद्रा भी कहते हैं। आयुर्वेद में भी हल्दी को स्वास्थ्यवर्धक, रक्त के शुद्ध करने का एक कारक और एंटीबायोटिक का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कर्मकांड और आयुर्वेद की तरह ज्योतिष शास्त्र में भी हल्दी को कई ग्रहों के दोष दूर करने वाला माना गया है। हल्दी से धन, संपत्ति, वैभव, सुख, निरोगी काया, वैवाहिक सुख प्राप्त किया जा सकता है। जिन युवक युवतियों का विवाह नहीं हो रहा है, शादी की बात पक्की होते होते रुक जाती है, उन्हें हल्दी की माला जरूर धारण करना चाहिए। गुरुवार के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करके ही हल्दी की माला धारण करें, इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। जिनका भाग्य कमजोर है, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी लाभ नहीं मिलता है, वो लोग लगातार एक साल तक बुधवार के दिन भगवान गणेश को हल्दी की माला पहनाएं। माला में हल्दी की 27 गांठ होनी चाहिए, जो 27 नक्षत्रों की प्रतीक है। पैसों की कमी बनी रहती है, बार बार कर्ज लेने की नौबत आती है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करके हरिद्रा माला अर्पित करें। हरिद्रा माला धारण करने से व्यक्ति को मानसिक मजबूती प्राप्त होती है और तनाव, डिप्रेशन दूर होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति बुरे प्रभाव दे रहा हो, उनको गले में हरिद्रा माला, हल्दी की माला जरूर धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा और पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खास और दिलचस्प जानकारियां हमें देने के लिए। तो कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।